असम में बाल विवाह के खिलाफ हिमंतो सरकार का एक्शन जारी है। विपक्ष और मुस्लिम समाज सवाल उठा रहा है, लेकिन विभिन्न सरकार का कानूनी डंडा चलता जा रहा है। अब तक 2200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। बाल विवाह गैर कानूनी है, लेकिन उसी बाल विवाह पर जारी एक्शन के खिलाफ असम की सड़कों पर संग्राम चल रहा है। एक तरफ पुलिस का एक्शन, गिरफ्तारियां होती जा रही हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम समाज जो पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर है। असम के कई हिस्सों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। 3 फरवरी को हिमंता बिस्वा सरमा ने बाल विवाह के खिलाफ शिकंजा कसा है। 2250 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बाल विवाह करने वाले पकड़े जा रहे हैं, उनके परिजनों की भी गिरफ्तारियां हो रही हैं जिन्होंने बाल विवाह होने दिया या कराया। उनकी भी गिरफ्तारियां हुई हैं जिन्होंने बाल विवाह कराने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन यह मामला अब सियासी रंग ले चुका है। हिमंता बिस्वा इस कुप्रथा पर करारी चोट की कसम खा रहे हैं, तो विरोधी उनके एक्शन को मुस्लिम द्वेष बता रहे हैं। 6 साल से बीजेपी की सरकार आसाम में है, आपने 6 साल से कोई कार्रवाई नहीं की और आपने, ये आपके गवर्नेंस का फेलियर है। दूसरा, आपने कितने स्कूल खोले इस चीज को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए। तीसरा, आपने अचानक 4000 केसेस बुक कर लिए और 2000 लोगों को पकड़ लिया आपने। अब जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो क्या करेंगे? वो एक महिला तो सुसाइड कर ली, उनको क्या करेंगे आप, उनका कौन देखभाल करेगा? हिमंता सरकार ने ऐसी कार्रवाई असम के कई हिस्सों में की है। धुबरी के अलावा विश्वनाथ, बारपेटा, बक्सा, बोगई गांव, नगांव समेत कई जिलों में एक्शन हुआ है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई। बाल विवाह कानून के अमल में आते ही सबसे ज्यादा विश्वनाथ में 139 गिरफ्तारी, बारपेटा में 130, धुबरी में 126, बक्सा में 123, बोगईगांव में 117 और नगांव में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तारी का कुल आंकड़ा करीब 2280 तक जा पहुंचा है। पूरे असम में हिमंता सरकार ने कानूनी डंडा चलाया है। बाल विवाह करने और कराने वालों के खिलाफ पुलिस 4070 से ज्यादा FIR दर्ज कर चुकी है और कड़ी कार्रवाई जारी है। इस तरह से असम पुलिस कार्रवाई कर रही है और हिमंता सरकार का जो रुख है उसे देखकर यह सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। सियासतदानों को हिमंता सरकार के एक्शन में चुनावी मौसम और हिंदू मुसलमान एंगल दिखाई दे रहा है। ऐसे में इसका शोर फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। गुवाहाटी से आफरीदा हुसैन के साथ आज तक ब्यूरो।